राम राम, मैं पंडित इसके मिश्र। यदि आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, हद से अधिक उत्पीड़न के शिकार हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके दिन रात का चैन सुकून सब खत्म हो जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रयोग करने के बाद आपका शत्रु कितना ही क्रूर क्यों न हो, कितना ही प्रसाद हृदय का क्यों न हो, वह शत्रुता भूल जाएगा, वह आपके बस में हो जाएगा और आप जैसा चाहेंगे या जैसा चाहेंगे उस तरह से वह व्यवहार करेगा। अर्थात शत्रु को पूरी तरह बस में करने का सबसे छोटा और सबसे सरलतम प्रयोग, जो अपने आप में असरदारी प्रयोग है, वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो प्रयोग के प्रति श्रद्धा भाव विश्वास अपने अंतर मन में बनाए रखें। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति अंतर मन में विश्वास बनाए रखें और अपनी एनर्जी को भी आप भली बात रीड कर लें। यदि आपके भीतर, आपके शरीर के अंदर वशीकरण पावर प्रचुर अवस्था में है, एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कोई भी आप काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें आसानी से आपको सफलता मिल जाती है। और यदि यह एनर्जी डिसबैलेंस है तो किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर को, प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जिसे आप अपने घर बैठे ही हमारे माध्यम से सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग बताने वाला हूँ बहुत छोटा सा, बहुत सरल प्रयोग है, आसानी से आप कर लेंगे। इस प्रयोग के लिए आपको उल्लू के पीठ की बाल की आवश्यकता है। कहीं उल्लू अगर मिल जाए, मरा हुआ या जिस तरह से भी आपको मिल जाए, तो उसके पीठ के बाल को आपको थोड़ा सा ले करके अपने घर में अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह काम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने जो उल्लू के पीठ का बाल प्राप्त किया है, उसको अपने विवेक और बुद्धिमानी के साथ शत्रु के घर में आपको फेंक देना है, गिरा देना है। ऐसा करने से वह आपका दोस्त बन जाएगा, मित्र बन जाएगा, वह आपके बस में हो जाएगा। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस तरह की समस्या है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या है, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम, राम।